वो किसके कृपा से बनते रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप भी जानते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं तो किसकी कृपा से बने वो बताएं। मेरे नेता के बारे में, मेरे नेता के कृपा से बहुत लोग बना वो भी जानते हैं। पहली बार नहीं हुआ ये, बराबर हम लोगों के खिलाफ हमेशा लोगों ने काम किया है, जो भी या बिहार हो या किसी प्रदेश में हो, जो लोग उनके साथ नहीं हैं या जो लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, उनके कार्यों से खुश नहीं हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसा ही एजेंसियों को भेज कर परेशान करते रहते हैं। आज जो हुआ है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमेशा वो टारगेट बना रहे हैं, चुनाव सामने हैं उसमें लोग परेशान कर रहे हैं। अभी आपको दूध का पानी का पानी आ जाएगा, हो जाएगा, वो लोग सही जांच करें, मैं ही कहूँगा सही जांच करें। वो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, सारी चीज़ उनका सही है, पेन पेपर से काम लोग करने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग ऐसा करता है, जो एजेंसियां कर रही हैं कहीं ना किसी के दबाव में कर रही हैं, तो MP बना दिया जाएगा, फिर बना दिया खुश हो जाएंगे, पता नहीं कौन है क्या, चुनाव लड़के खुद जीत के बताएं हो तो हमारी बात क्या करेंगे, हमारी सरकार की बात कोई क्या करेगा। ऐसे लोग बहुत लोग देश से बोलने वाले बोलते हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, तो आप मेहनत करिए, विधायक बनिए ना भाई, विधायक बनिए, MP बने तभी ना होगा, ऐसे तो होता कहने से नहीं होगा। बिहार सरकार में जदयू से मंत्री जमा खान है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जमा खान जी, आपके MLC हैं, उनको लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है, राधाचरण सेठ को लेकर ED ने छापेमारी कल की थी, देखा जाए तो कई अनेक चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई है, कैश भी पकड़ा है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देखिए वो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, सारी चीज़ उनका सही है, पेन पेपर से काम लोग करने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग ऐसा करता है, जो एजेंसियां कर रही हैं कहीं ना किसी के दबाव में कर रही हैं, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, ये बराबर हम लोगों के खिलाफ हमेशा लोगों ने काम किया है, जो भी या बिहार हो या किसी प्रदेश में हो, जो लोग उनके साथ नहीं हैं या जो लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, उनके कार्यों से खुश नहीं हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसा ही एजेंसियों को भेज कर परेशान करते रहते हैं। आज जो हुआ है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमेशा वो टारगेट बना रहे हैं, चुनाव सामने हैं उसमें लोग परेशान कर रहे हैं। अभी आपको दूध का पानी का पानी आ जाएगा, हो जाएगा, वो लोग सही जांच करें, मैं ही कहूँगा सही जांच करें, निश्चित तौर पर जब सही जांच करें तो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हमको दिक्कत नहीं होगा, कोई हमेशा को दिक्कत नहीं होगा, वो सामने आ जाएगा। मगर टारगेट बना लेंगे, दिल और दिमाग में है कि इनके साथ गड़बड़ करना है, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। मंत्री जी, आपने 24 चुनाव की बात की, 24 चुनाव को लेकर छापेमारी करवाया जा रहा है, ऐसे में देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने दावा किया है, उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन्होंने कहा है कि 24 चुनाव में अगर तिरछाप कैंडिडेट को मिलेगा तो 5 सीट भी नहीं ला पाएंगे। कौन बोला? प्रशांत किशोर। ये कहाँ के हैं, कौन है ये? रणनीतिकार प्रशांत किशोर, मतलब किस प्रदेश के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन पार्टी इनकी है, क्या है, मुझे नहीं मालूम है, बताइए कहाँ पे जाने। आप ही के पार्टी में थे, मुझे नहीं मालूम ये बेचारे कौन है, ऐसे आम बोलने वाले बहुत बोलते रहते हैं, अगर उनको कुछ MP बना दिया जाएगा, कुछ बना दिया खुश हो जाएंगे, पता नहीं कौन है क्या, चुनाव लड़के खुद जीत के बताएं हो तो हमारी बात क्या करेंगे, हमारी सरकार की बात कोई क्या करेगा। ऐसे लोग बहुत लोग देश से बोलने वाले बोलते हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, तो आप मेहनत करिए, विधायक बनिए ना भाई, विधायक बनिए, MP बने तभी ना होगा, ऐसे थोड़ा होता कहने से नहीं होगा। अंतिम सवाल रहेगा जमा खान जी आपसे, सम्राट चौधरी बीते दिनों गया पहुंचे थे, ऐसे में उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं BJP के कृपा से बने, अभी भी BJP की कृपा से बनते हैं, अपने बारे में वही बताएं, वो किसके कृपा से बनते रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप भी जानते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं तो किसकी कृपा से बने वो बताएं। मेरे नेता के बारे में, मेरे नेता के कृपा से बहुत लोग बना वो भी जानते हैं, हकीकत बताएं, मेरे नेता खुद कृपा करते हैं और जनता के हित के बारे में सोचते हैं, जनता के हित के देखते हुए तो काम करते हैं, हम लोग किसी कृपा की जरूरत नहीं है, वो भी जानते हैं, वो अपनी कृपा बताएं, किसी कृपा पर चलते हैं वो भी जानते हैं, देश जानती है, देश जानती है किनके कृपा पर सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे मंत्री जमा खान आपने सुना है, अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा किया है, सवाल किया है, मुखर होकर जवाब रख रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए MBC 24 के साथ बने रहे, पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।